फ्रेंड्स, आई एम इप्सिता एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इप्सिताज वाइब्स। सो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके नाक और चिन एरिया में जमे हुए ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को हम जल्दी जल्दी कैसे घर पे जल्दी जल्दी उसको हटा सके। सो इसे करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, लाइक देयर आर 4 or 5 steps। सो ये सारे स्टेप्स अगर आप कंप्लीट करोगे ना, तो आई कैन गिव यू 100% गारंटी कि आपके चिन और नोज एरिया में जमे हुए ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स जड़ से निकल जाएंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें आपको अपने फेस पे ना हनी अप्लाई करना है। यस गाइस, हनी एज यू ऑलरेडी नो इज एन एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट, एंड ये ना बहुत अच्छा काम करता है अगर आपका ड्राई स्किन है। एंड इफ यू हैव नॉर्मल टू ऑयली स्किन, देन हनी वर्क्स वंडर्स ऑन योर स्किन। सो आई एम गोना टेक जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी ऑन माई पाम। इसको ना आपको अपने क्लीन फेस के ऊपर, जस्ट आपके नोज एंड चिन एरिया जहां पे आपको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम है, वहां पे अप्लाई करना है। सो आई विल जस्ट अप्लाई इट ऑन दिस पार्ट ऑफ द नोज। यहाँ पे मुझे ब्लैक हेड्स का बहुत ज्यादा इशू होता है। आई डोंट हैव अ लॉट अराउंड द चिन एरिया, बट यस, जस्ट आपको शो करने के लिए आई विल जस्ट अप्लाई इट एंड शो यू द प्रोसेस कि मैं इसको कैसे करने वाली हूँ। सो थोड़ा सा यहाँ पे हनी मैंने अप्लाई कर लिया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मसाज इट इनटू माय स्किन। सो हनी एज यू ऑल नो इज अ बिट स्टिकी, सो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा वाटर स्प्रे करना पड़ेगा अपने फिंगर्स पे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगा इसको मसाजिंग करने में। सो आई विल जस्ट स्प्रे अ लिटिल बिट ऑफ वाटर ऑन माय हैंड्स एंड बस अपने फिंगर्स को थोड़ा सा वेट कर लीजिए एंड जस्ट गो ऑन ओवर योर नोज एरिया एंड यहाँ पे भी, जहाँ पे भी आपको ब्लैक हेड्स का इश्यू होगा, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स का, वहां पे आप उसको जस्ट मसाजिंग कर लीजिए फॉर अबाउट 30 seconds। इसको मसाज करने का बेसिक फंडा ये है कि जब आप इसको मसाजिंग कर रहे हो ना, तो ये आपके स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा एंड आपके स्किन के अंदर में जमे हुए जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स है, ये उसको थोड़ा सॉफ्टन करेगा। एक मॉइस्ट सरफेस से जल्दी से हम लोग गंदगी निकाल सकते हैं, ना कि एक ड्राई सरफेस से। हियर गाइस, आई एम ऑलरेडी डन मसाजिंग इट फॉर 30 seconds। सो द सेकंड स्टेप इज बेसिकली स्टीम। सो आपको क्या करना है, पानी बॉइल करना है और जब वो गर्म हो जाए अच्छे से, उसमें आप एक टॉवल डिप करिए या फिर कोई भी कॉटन का क्लॉथ डिप कर सकते हो। और आपको क्या करना है, इस वेट टॉवल या वेट कपड़े से आपके नोज एरिया एंड चिन एरिया को अच्छे से रब आउट करना है। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट गिव अ लिटिल अमाउंट ऑफ प्रेशर। बेसिकली क्या होना है कि जो स्टीम है उसको आपके स्किन के अंदर के लेयर में पहुंचना है, ताकि ना वहां पे जो डर्ट है वो और भी थोड़ा लूजन अप हो सके। सो जब आप इसको बाद में निकालोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा ईजी होगा। सो या आई एम ऑलरेडी डन, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो इस स्टेप में हम लोग ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को निकालेंगे। सो उसके लिए यू कैन यूज इधर द ब्लैक हेड रिमूविंग टूल, जो आपको किसी भी यू नो स्टोर में मिल जाएगा। दिस इज बेसिकली द ब्लैक हेड व्हाइट हेड रिमूवर विच आई हैव, एंड इफ यू डोंट हैव दिस, देन यू कैन ऑल्सो यूज अ बॉबी पिन। यस गाइज, बॉबी पिन भी बहुत अच्छे से काम करता है। सो आई विल शो यू बोथ द वेज कैसे करते हैं। सो अगर आप ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूवर यूज कर रहे हो, देन ओवर हियर यू विल सी दिस काइंड ऑफ अ थिंग। यहाँ पे एक होल जैसा एक रहता है, सो आपको बेसिकली यही यूज करना है। प्रेस इट अगेंस्ट योर स्किन, जहां पे भी आपको लगता है कि आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स है, सो जस्ट प्रेस इट अगेंस्ट दैट स्किन, द डर्ट इज कमिंग आउट एक्चुअली। सो मैं आपको अभी बॉबी पिन से करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है। सो बॉबी पिन को ऐसे होल्ड करिए एंड सेम वे ये जो यहाँ पे जो लूप बना हुआ है ना, वो वाले पोर्शन से आप सेम थिंग उसको स्किन के अगेंस्ट प्रेस कीजिए। प्रेस करने से ही ना आप देखोगे जो डर्ट है ना वो ऊज आउट करेगा एंड वो अक्यूमुलेट हो जाएगा। सो अपने चिन एरिया में भी सेम प्रोसेस से करिए एंड आप नोटिस करोगे कि आपके बॉबी पिन पे ना वो डर्ट अक्यूमुलेट हो रहा है। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डर्ट ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड, मतलब जो ब्लैक हेड्स है मेरे नोज के ऊपर एंड चिन के साइड में, वो निकल चुका है। सो थर्ड स्टेप में हमने ऑलरेडी अपने स्किन के ऊपर जमे हुए ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को निकाल लिया है, बट गाइस ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स ना इतने जल्दी से नहीं जाते हैं। सो आपके स्किन के लेयर के नीचे भी वो जमे हुए रहते हैं, सो वी नीड टू रिमूव दैट ऑल्सो टू मेक योर स्किन स्पीकी क्लीन। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्रब यूज करेंगे, बट दिस स्क्रब इज गोइंग टू बी अ DIY होम मेड स्क्रब। सो स्क्रब को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे चावल का आटा, थोड़ा सा ही चाहिए, एंड उसमें आई एम गोइंग टू मिक्स अ लिटिल बिट ऑफ हनी। मैं पतंजलि का हनी यूज कर रही हूँ यहाँ पे। इसको ना एक अच्छा सा मिक्स दीजिए और ये एक स्क्रब लाइक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। सो नाउ इस स्क्रब को मैं अपने नोज पर
और चिन एरिया में अप्लाई करूंगी एंड फिर मैं इसको ना हल्के हाथों से स्क्रब करूंगी फॉर अबाउट 1 मिनट। सो आई एम डन गाइज एंड नाउ मैं इस स्क्रबर को हटाने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू वॉश माई फेस। इस स्टेप को करने के बाद ना आपका व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स फुल्ली रिमूव हो चुका होगा। आई कैन एब्सोल्युटली फील इट कि मेरा स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है एंड द व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स आर ऑल्सो गॉन गाइज। सो नाउ अभी आपको क्या करना है, जो पोर्स हमने ओपन किए थे विद द हेल्प ऑफ दैट स्टीम एंड एवरीथिंग, हमको अभी उनको क्लोज भी करना है। सो फॉर दैट वी हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ आइसिंग। सो बेसिकली आपको उसके लिए आइस चाहिए होगा। सो आइस को ना आप किसी भी कॉटन के कपड़े में रैप कर लीजिए। डायरेक्ट आइस कभी भी अपने स्किन के ऊपर नहीं अप्लाई करना, आपको यू नो कोल्ड बर्न्स हो सकते हैं। सो जस्ट टेक द आइस एंड रैप इट इन अ पीस ऑफ क्लॉथ और उस क्लॉथ को बस धीरे धीरे आपके नोज के ऊपर रब कीजिए for about you know a few seconds. This actually feels good guys, you know summer month mein na icing is a very good thing. Mujhe you know face mein bhi icing karna bahut zyada pasand hai. Jab bhi mera face bahut zyada tired ya dull lagta hai main icing karti hu and it actually you know gives me that glow back. So yeah, I'm done guys. After doing this, आपका जो pores open था वो बिल्कुल close हो चुका है and it's absolutely clean as you can see. So now it's a must to use a toner. So toner के लिए मैं यहाँ पे Mamaearth का vitamin C toner use करूँगी which is my favorite. थोड़ा सा toner I will apply it on the nose area और chin area में भी जहाँ पे भी मैंने scrubbing किया है. So that's it and done and this is basically the simple 5-step procedure जो मैंने follow किया। आप इन्हीं 5 steps को follow कीजिए and इसको बस आप week में एक ही बार करिए, that is enough। आपका skin clear रहेगा and free of blackheads भी रहेगा and trust me guys, this is 100% effective, it is tried and tested। मैं यही process use करती आई हूँ सालों से and it has really been beneficial। So that was all for today's video, I hope you have liked this video and if you have liked this video then please give it a big thumbs up and share it among your friends and please just subscribe to my channel guys. I will be back with another interesting video. So till then, be safe, be happy and stay positive. Bye bye guys, thank you.